अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। राम भक्तों का करीब 500 साल का लंबा इंतजार आज खत्म हो गया है। प्रभु श्री राम अब अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजा अर्चना में शामिल हुए। इस मौके पर पीएम के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के लिए 11,000 मेहमानों को न्योता दिया गया था, जो कल शाम से ही रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे थे। इस बीच खबर आई कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण अडवाणी खराब सेहत और ठंड के चलते अयोध्या नहीं आएंगे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आखिर अयोध्या क्यों नहीं पहुंचे, इसके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति थी, अब यह आपको हम बताते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को अधिक से अधिक लोग सामूहिक रूप से देख सके, इसके लिए दिल्ली बीजेपी की तरफ से पूरी दिल्ली में खास इंतजाम किए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी इसलिए दिल्ली में ही मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिड़ला मंदिर में पहुंचे, तो वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा झंडेवालान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखा। दोनों नेताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रसाद वितरण भी किया। दिल्ली बीजेपी के प्रभारी बैजयंत जय पांडा और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण अडवाणी भी आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या नहीं पहुंचे। बता दें कि लाल कृष्ण अडवाणी 96 साल के हैं, इसलिए उनकी सेहत और ठंड को देखते हुए ये फैसला लिया गया। इसके अलावा पूरी दिल्ली में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखने के लिए दिल्ली बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा 2000 से ज्यादा जगहों पर बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगवाई गई थी, ताकि लोग सामूहिक रूप से इस आयोजन का हिस्सा बन सकें। दिल्ली बीजेपी के कार्यालय में भी रंग बिरंगी बिजली की लड़ियां और फूल मालाओं को सजाया गया था। सभी जिला कार्यालय भी सजाए गए थे। पार्टी के अन्य पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और पार्षदों ने अपने कार्यालय में सामुदायिक समारोह आयोजन करने के अलावा लड्डू बांटने और भंडारे का भी इंतजाम किया। इस पावन मौके का साक्षी बनने के लिए 7,000 से ज्यादा वीवीआईपी भी अयोध्या पहुंचे थे। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित समेत कई सितारे अयोध्या आए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के कई राज्यों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई थी। वहीं केंद्र सरकार ने भी आधे दिन के अवकाश का ऐलान किया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने राम भक्तों को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे राम आ गए हैं, अब रामलला टेंट में नहीं रहेंगे बल्कि अब एक भव्य मंदिर में रहेंगे। इस मौके पर सीएम योगी ने भी आम जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का हमने संकल्प लिया था। तो इस तरह से राम मंदिर में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।